Hello children, in this video we are going to now discuss the factors which influence the rate of chemical reaction. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डालते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. यानी कि एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये पूरा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड पे बेस्ड है. जो भी रिएक्शंस हम इसमें पढ़ेंगे वो रिएक्शंस है जो इंडस्ट्री में परफॉर्म की जा सकती हैं. तो जब आप इंडस्ट्री में कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हो तो उसका मोटिव क्या होता है कि कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रिएक्शन. तो क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं हम रिएक्शन करवाते समय कि जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए. ये वो फैक्टर्स हैं, यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे और उसे कम समय में करवाएंगे, या रेट को स्पीड को रिएक्शन की बढ़ा देंगे और उसे कम समय में करवाएंगे. तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं वो काफी सारे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. एंड दीज इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर, पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, द फर्स्ट वन. टोटल जो है 6 फैक्टर्स हैं जिसमें से कुछ काफी इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी. मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि केमिस्ट्री की अपनी खुद की लैंग्वेज है, अपनी खुद की टर्मिनोलॉजी है. सो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है क्वांटिटी. केमिस्ट्री क्वांटिटी को, मात्रा को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म यूज करती है वो है कॉन्सेंट्रेशन. नाउ हाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, रिएक्टिंग स्पीशीज माने रिएक्टेंट. तो ये कहना चाहते हैं कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी एक फैक्टर है जो रिएक्शन की रेट को या स्पीड को अफेक्ट करती है. तो कैसे करती है, लेट अस सी. सो रेट ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, ऐसा पाया गया है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी मदद से बाद में हम रिएक्शन के लिए जो है रेट लिखेंगे. तो ये क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन उसका आप रेट लिखना चाहते हो तो उस रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी मान लें, एक सिंपल सी रिएक्शन ले लें कि एक रिएक्टेंट है R जो P प्रोडक्ट देता है, ठीक है. ये एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है. तो इसके लिए अगर मुझे रेट लिखना है तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट कौन है? R. तो ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है. तो R की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट. इसीलिए क्या कह सकते हैं, R की क्वांटिटी बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, R की क्वांटिटी घटेगी तो रेट घटेगा. सिंपल सी बात है, बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है. सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसकी रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन के. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. आपको कई रिएक्शंस के बारे में ये बहुत अच्छे से आइडिया है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है या रिएक्शन कम समय में हो जाती है. तो बेसिकली ऐसा पाया गया है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है ऑलमोस्ट सारी केमिकल रिएक्शंस का. वो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर आप उस पर टेम्परेचर बढ़ाते हो यानी उसे हीट कर देते हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, और अगर टेम्परेचर घटाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है, ठीक है. तो बेसिकली क्या बोला मैंने, An increase in the temperature. Temperature में increase क्या करता है? It increases the rate. It increases the rate of reaction of almost all reactions. लगभग सारी ही reactions पर temperature का ये असर होता है कि अगर आप उसे heat दे दें तो वो जो है rate of reaction बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ.
ऑन द अदर हैंड, जबकि क्या हो रहा है, ऑन द अदर हैंड अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का घटना डिक्रीजेस द रेट, रेट को डिक्रीज करता है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां भी आप ये कह सकते हैं कि रेट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा. और फॉर ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन रेट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि अगर किसी रिएक्शन पे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, यानी रिएक्शन अभी मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी, उसको डायरेक्ट 50 कर दें, तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते से ही रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है. रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डबल, दो गुना हो जाता है. यानी इसको कैसे समझेंगे, मान ले रिएक्शन 40 डिग्री पर 30 मिनट में होती थी, ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाकर 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, रिएक्शन 15 मिनट में होने लगी. रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया ना, स्पीड दोगुनी हो गई. ये जस्ट मैंने एक स्पीड दोगुनी हो गई तो टाइम आधा हो जाएगा ना. स्पीड तो हम यहां दिखा नहीं सकते, तो टाइम से समझा सकते हैं कि पहले वो आधे घंटे में हो रही थी तो अब इतनी फास्ट होने लगी कि 15 मिनट में हो गई, ठीक है. सो दिस इज वॉट इज जस्ट द यू नो मीन्स प्रोडक्ट ऑफ माई माइंड. ऐसा कहीं लिखा नहीं है किताब में, दिस लाइन इज रिटन. इस लाइन को समझाने के लिए मैंने इस एग्जाम्पल की हेल्प ली है. नाउ वॉट इज द थर्ड फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेज द रेट ऑफ रिएक्शन. सो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को असर करता है. नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ, सो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आल्सो. एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, प्रोडक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट में जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूटने चाहिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए नए बॉन्ड्स बनने चाहिए, यही होता है. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मेनली दो चीजें होती हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड्स का टूटना, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स का बनना. ये दो चीजें होती हैं. तो अगर किसी भी सब्सटेंस की रिएक्टिविटी की आप बात करना चाहते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि ये बॉन्ड कितनी आसानी से और कितनी आसानी से टूटेंगे, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स, या प्रोडक्ट बनते समय कितनी आसानी से बॉन्ड्स बनेंगे. इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के नेचर और प्रोडक्ट के नेचर पर भी डिपेंड करता है. सो वॉट वी कैन से, we can say that the reactivity of a substance can therefore be related to the ease with which the specific bonds are broken or formed. So we can say that reactivity of a substance, वो substance क्या है, वो substance है reactant और product. तो किसी भी substance की reactivity जो कि reactant या product है can be related, वो related हो सकती है किससे, it can be related to what, to the ease माने वो आसानी, with which, जिसके साथ, the specific bonds, जो bonds हैं, are broken or formed, जितनी आसानी से bonds पुराने टूटेंगे और नए बनेंगे उतनी ही आसानी से reaction हो जाएगी. so definitely reactant के और प्रोडक्ट के बॉन्ड के नेचर पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा. तो यहां तीन मेजर फैक्टर्स हमने कवर कर लिए हैं. नाउ द फोर्थ फैक्टर आपको बहुत पहले से पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है, ठीक है. कैटलिस्ट वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है. मैंने इंक्रीज डिक्रीज वर्ड नहीं यूज किया क्योंकि कैटलिस्ट भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का होता है. जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए वो कैटालिटिक प्रमोटर कहलाता है और जो डिक्रीज कर दे वो कैटालिटिक
पॉइजन कहलाता है। लेकिन आप याद रखें, जब भी हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करते हैं और हम खुद केमिकल रिएक्शन, इंडस्ट्रीज में रिएक्शंस अपने आप तो हो नहीं रही है, कोई ना कोई उन्हें करवा रहा है, इट मीन्स समबडी एज अ ह्यूमन बींग इज प्रेजेंट, वहां पर कोई ह्यूमन बींग अवेलेबल है जिसको ये सेंस है कि मुझे कौन सा कैटेलिस्ट यूज करना है जो रिएक्शन को प्रमोट करे। ठीक है, जब हमें मालूम है कैटेलिस्ट का काम क्या है और किसी भी रिएक्शन में, जैसे हम हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाना चाह रहे हैं, तो हम जानबूझ के तो उसमें कैटेलिटिक पॉइजन डालेंगे नहीं ना कि हमारी यील्ड कम हो जाए, हम उसमें क्या डालेंगे, कैटेलिटिक पॉइजन नहीं डालेंगे, कभी भी प्रमोटर डालेंगे जिससे रेट बढ़ जाए। तो यहां पर हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि हमेशा जो प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट है, द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, कैटलिस्ट हम प्रमोटर लेंगे तो हम हमेशा लिखेंगे कि जो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फिफ्थ फैक्टर। नाउ सी व्हाट इज द फिफ्थ फैक्टर, फिफ्थ फैक्टर विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया क्या है, वो जगह जिसमें रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। सो ये कॉमन सेंस है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, द लार्जर द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा रिएक्टेंट्स के लिए, द फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, द फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स सरफेस एरिया पर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, नाउ द लास्ट फैक्टर इज एक्सपोजर टू रेडिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपोजर टू रेडिएशन। ठीक है, अब देखें कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो अगर उन्हें रेडिएट कर दिया जाए, रेडिएशंस उन पे डाल दी जाए, तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को हम जो है बहुत ज्यादा कंसिडरेबली इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मैं एक एग्जांपल लेने जा रही हूं जो आपको पहले से पता है, जहां पर हम रेडिएशंस नहीं देते वो एक नेचुरल फिनोमेना है, मगर फिर भी मेरे एग्जांपल से आपको एक्सपोजर टू रेडिएशन का मतलब समझ आ जाएगा। तो मैं एक नेचुरल फिनोमेना का एग्जांपल ले रही हूं, फोटोसिंथेसिस के बारे में सबने सुना है। फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब सूरज निकलता है, सनलाइट की प्रेजेंस उस प्रोसेस में एज अ रेडिएशन होती है और वो एज अ कैटेलिस्ट काम करती है, और जब सनलाइट होती है तभी फोटोसिंथेसिस होता है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज वेरी मच नेसेसरी। फोटोसिंथेसिस रात में तो होता नहीं कभी भी, है ना, डार्क में नहीं होता है। तो इसका मतलब कई रिएक्शंस हमारे आजू बाजू जो हम परफॉर्म कर, फोटोसिंथेसिस हम परफॉर्म नहीं करते, ये तो सिर्फ मैंने एक्सपोजर टू रेडिएशन समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया, पर कई रिएक्शंस हमारे पास ऐसी हैं जिनको हम अगर रेडिएट कर दें तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। सो यू कैन राइट रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शंस कैन बी कंसीडरेबली इंक्रीज्ड by the rate of certain reactions can be considerably increased by the use of certain radiations, कुछ radiations use करके भी आप rate of reaction को बढ़ा सकते हैं। जैसे for an example अगर देखना है तो reaction between hydrogen and chlorine, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस वेरी स्लोली इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। वेरी, आपने 10th क्लास में फोटोलिटिक रिएक्शंस भी पढ़ी हैं, वो बिना लाइट के होती ही नहीं है, है ना। तो ऐसी भी रिएक्शंस है जो बिना लाइट के होती ही नहीं है, और अगर होती है तो बहुत स्लो होती है। तो रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस वेरी स्लोली, बहुत धीमी होती है ये रिएक्शन,
इन एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट नहीं है तो ये बहुत धीमी रिएक्शन होती है, लेकिन हाउ एवर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द रिएक्शन टेक्स प्लेस रैपिडली, ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है. सो दीज वेयर ऑल द सिक्स फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, जिनमें से पहला और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड टेम्परेचर, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको भूलना नहीं है. बाकी के जो पॉइंट्स मैंने बताए उनका लगभग नॉलेज आपको पुरानी क्लासेस से भी है, बट टेक अ नोट कि फर्स्ट एंड सेकेंड फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखें, उन पर यहां से क्वेश्चंस बनते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस. आई होप इट वॉज क्लियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.